हमारी चल रही है और भी आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में आज थे और मालदा में उन्होंने बड़ी रैली की, बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत की तो ममता बैनर्जी को खरी खोटी भी लगे हाथ सुना दी। राज्य की बदहाली के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों से राज्य में कमल खिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में 23 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत का टारगेट रखा है। शाह की इस रैली को महागठबंधन की मोर्चाबंदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो भाई। हत्या कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? यात्रा न निकालने देने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? घुसपैठ कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? शरणार्थियों को नागरिक न बनाने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा न कर देने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो, रहेगी या जाएगी? मित्रों, कम्युनिस्ट तो बुरे थे ही, आप लोगों ने, ये महान बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को निकालने के लिए परिवर्तन किया और तृणमूल को लाया। मगर तृणमूल ने तो शासन इस प्रकार से चलाया, आज बंगाल की जनता कहती है इनसे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे, इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने शासन चलाया है। मित्रों, हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है और बंगाल के अंदर सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र को समाप्त कर देने का काम ममता बनर्जी ने किया। तो अमित शाह की सेहत ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल से उन्होंने दरअसल शुरुआत की और बड़ी रैली की और जबरदस्त हमला बोला महागठबंधन पर।